हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम देखेंगे 38x42 का घर जो 3 मंजिला है। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इंटर होते ही आपको ये गैरेज एरिया मिलेगा और ये साइड में कार पार्क करके रखे हैं। जो ये कार पार्किंग एरिया है वो आपका लंबाई है 13 फीट 4 इंच और ये सामने से 12 फीट है और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है आपका 22 फीट 3 इंच और ये स्टेयर है ऊपर चढ़ने के लिए और ये सामने में मेन गेट है। मेन गेट से इंटर होते ही आपको मिलेगा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया और इसके दाहिने तरफ ये किचन है 12 फीट बाय 8 का और इसके ठीक सामने बेडरूम है 15x12 का और अटैच बाथरूम है 9x6.5 का और उसी तरह ये बेडरूम भी है उसी तरह 15 फीट 2 इंच बाय 12 फीट और बाथरूम वही 9 फीट बाय 6 फीट 7 इंच और ये और एक रूम है जो 10 फीट बाय 12 का है और इसमें अटैच बाथरूम है और ये गेस्ट रूम है 12 फीट बाय 11 फीट 4 इंच का, इसमें भी आपका अटैच है बाथरूम और ये विंडो है सामने में और इस रूम का इधर विंडो है और किचन का मैंने दो साइड विंडो दिया इधर या इधर, आप इसमें से चाहे तो एक डिलीट कर सकते हो। और ये मैंने सामने बेसिन दिया है और चलिए इसका मैं 3D व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा इसका बाहर का डिजाइन। बाहर ये जब आपका बनेगा मकान तब बनने के बाद किस प्रकार से दिखेंगे वो आपको दिखाऊँगा। 3rd फ्लोर तक जब बन जाएगा तब का घर कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। चलो ये भी आप देख लिए हैं। अब हाँ, आपका ये घर का जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसका आपको रेंडर व्यू दिखा लेते हैं। देखिए रेंडर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है रेंडर में। चलता हूँ बिल्डिंग का। जो बिल्डिंग है कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। इसका मैंने और एक रेंडर निकाल के रखा है थोड़ा डिफरेंट कलर में, ये रहा तीसरा। नहीं, इसी का कलर चेंज करके मैंने देखा है कैसा लग रहा है। तो चलिए इसका मैं 3D दिखाता हूँ, माया में ले चलता हूँ आपको। ये रहा, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।